फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। बिजली के बिलों में 6% बढ़ोतरी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांधीनगर के झील चौक पर किया दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। आप देख सकते हैं कि गांधीनगर के झील चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया मंगलवार की सुबह, जहां पूर्व पार्षद कृष्णनगर वार्ड से संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली सरकार ने धोखा दिया है। वहीं कांति नगर वार्ड से पूर्व पार्षद कंचन माहेश्वरी ने भी यह कहा कि दिल्ली सरकार कहती है कि हाफ व्हील यानी कि 200 यूनिट तक फ्री होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ से रेट बढ़ा रही है। कहा कि अब बिल पर 6% बिल महंगा आएगा। सुने आप बाइट। कंचन मैडम, यहाँ पर जो धरना आप लोग दे रहे हैं, किस सिलसिले में दे रहे हैं और क्या कुछ मांगे? देखिए, केजरीवाल जी ने कभी कहा था कि बिजली हाफ और पानी माफ, परंतु ऐसी कोई भी बात देखने को नहीं मिल रही है। बिजली के दाम वो सामने से तो कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री हैं, परंतु दूसरे तरफ से वो हमेशा रेट बढ़ाते रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जो कमर्शियल का रेट है सबसे ज़्यादा दिल्ली में है। इसके साथ साथ जो एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो भी वो यहाँ पे बढ़ा चुके हैं, 16 से 22% कर चुके हैं। और अभी तो सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने अभी जितने भी मीटर्स हैं उनको भी बढ़ाने की, उनको भी चेंज कराने की उन्होंने योजना बना ली है। देखा जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को त्रस्त किया हुआ है। देखिए, बिजली इस समय जो धरना हो रहा है ये PPAC चार्ज जो है, पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट, ये उसके बिल हैं। और अगर आप देखेंगे इस महीने जो बिल आए हैं उसमें पिछले महीने जो है वो 16% ये चार्ज था, और इस महीने 22% का लगा के बिलों में इन्होंने ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं ये। और ऐसे ही ये काम पिछले 7 साल में कर रहे हैं। इन्होंने जो टैरिफ है, जो उसका पर यूनिट चार्ज है, जैसे 3 रुपये 200 यूनिट तक, 4.5 रुपये 400 यूनिट तक, वो तो फिक्स रखा हुआ है क्योंकि हर आदमी उस टैरिफ को कंपेयर करता है। लेकिन उसके ऊपर दिल्ली के अंदर पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्स लगते हैं, जो 66% तक टैक्स है, और हर साल या कुछ महीने बाद ये कोई ना कोई एक टैक्स बढ़ा देते हैं। तो जनता क्या होती है, जैसे ही बिल आता है उसका अमाउंट देखती है, लास्ट डेट देखती है, पेमेंट कर देते हैं। लेकिन दिल में वो सोचते हैं कि पिछले साल तो हमारा बिल 2.5-3 हज़ार रुपये आता था, इस बार 4 हज़ार कैसे हो गया। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड बिल है क्योंकि हर बिल के अंदर 8 तरीके के टैक्स हैं, आदमी कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो ये जो कला है ये केजरीवाल में है कि पैसे भी बढ़ाते जाओ और जनता को झूठ भी बोलते जाओ कि मैं सबसे सस्ती बिजली दे रहा हूँ, लेकिन पूरे देश में सबसे महंगी कमर्शियल बिजली दिल्ली के अंदर है, जो 16 से लेकर 20 रुपये पर यूनिट पड़ती है। ये तो सिर्फ केजरीवाल और इनके चमचे अपने भाषणों में बोलते थे, लेकिन दिल्ली से करोड़ों रुपया अवैध रूप से बिजली कंपनियां वसूल करती थी। अगर हम टोटल अब तक इन्होंने जो अनऑथराइज तरीके से टैक्स लगाए हैं तो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपया पिछले 7 साल में दिल्ली के उपभोक्ताओं से केजरीवाल लेके बिजली कंपनियों की जेब में डाल चुका है। और जो सब्सिडी जाती है वो हमारे टैक्स से दी जाती है। तो दो तरीके की मार है, जो एक्स्ट्रा पैसा है बिजली कंपनियों के खाते में जाता है, और जो सब्सिडी दी जाती है, जो विकास का काम होना है, फ्लाईओवर बनने हैं, पुल बनने हैं, अस्पताल बनने हैं, वो ना बन के सब्सिडी में 4,200 करोड़ रुपया एक साल में सिर्फ बिजली के बिल पे सब्सिडी दी जाती है।